सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते अनि सेवान्ने। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार सभी लोगों को संजू क्राई ब्लॉग्स में स्वागत है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। और अभी आज मैं आप अचानक यहाँ पर रेलवे स्टेशन में आके मिल रहा हूँ, और आप लोगों को मैं अब एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी पटना में हूँ, और यहाँ पर मुझे आज आप आना पड़ा क्योंकि CBSE बोर्ड द्वारा SST का कॉपी चेक करने के लिए मेरा भी नाम आ गया है। तो मुझे भी यहाँ पर एक स्कूल में, दानापुर के एक स्कूल है, सेंट केरेंस स्कूल है, वहाँ पर जाके कॉपी चेक करना है। मुझे लग रहा है लगभग 7-8 डेज लगेगा। तो अभी मैं अपना नवनगर से इस ट्रेन के थ्रू, ये ट्रेन आपका समुद्री एक्सप्रेस के थ्रू मैं अभी आया हूँ, और यहाँ पटना अथवा दानापुर स्टेशन में रुका हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर में यहाँ से हमको जाना है वो सेंटर की तरफ, जहाँ पर मैं अभी कॉपी चेक करने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों को ये अपडेट देना भी था, तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। अब यहाँ स्टेशन से मैं बाहर निकलूँगा, और उसके बाद में कुछ नाश्ता करने के बाद में वहाँ स्कूल तक हम पहुँचेंगे, और आप लोगों को यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाते जाएंगे। दानापुर स्टेशन का कुछ कुछ व्यू आप लोगों को दिखाते जाएंगे, और वहाँ जाके स्कूल में पहुँचेंगे, और वहाँ पर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो देखते रहिएगा और इस तरह का ब्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। और अभी हम जाएंगे बाहर, और यहाँ का कुछ भी, दानापुर का सभी भी व्यू आप लोग को दिखाएंगे। नया जगह है, नया प्लेस है, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, इसीलिए अभी मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं, बाहर जाएंगे और बाहर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए, ये श्रमजीव एक्सप्रेस ट्रेन से मैं आया था। अभी हमको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्कूल भी थोड़ा सा नज़दीकी है यहाँ से। बोल रहा था कि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर आगे है स्कूल, सेंट केरेंस, ये मिशनरी स्कूल है, मतलब कि क्रिश्चियन स्कूल से। तो अभी हमको जाना है वहाँ पर। स्टेशन का व्यू आप लोग देख पा रहे हैं दानापुर का, और ये सुबह सुबह का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और हम भी अभी सुबह सुबह यहाँ आके इधर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं जाएंगे बाहर। और ये फ्लाईओवर के थ्रू मुझे जाना है इस साइड। देख सकते हैं यहाँ पर मैं बाहर निकलने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन भी उधर साइड में गए थे, वहाँ पर जहाँ एग्जिट वाला जगह नहीं था। तो अभी यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ इस साइड। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। अभी जाएंगे, देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देख सकते हैं, बाहर जाएंगे और ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि नहीं किया हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद में थोड़ी देर रुकेंगे, और मुझे एग्जैक्ट वहाँ स्कूल में पहुँचना है 8 बजे के करीब। तो जाते हैं बाहर। अभी ने क्या करे आए, तो देखिए मैं अभी यहाँ पर पटना का ये सिटी बस में अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल की तरफ। स्कूल आपका गोला रोड में पड़ेगा, तो यहाँ से अभी हमको जाना है। ओके, मैं स्कूल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो एरिया है इसको गोला रोड बोलते हैं, और हम थोड़ा सा बस से उतरने के बाद में थोड़ा पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि आधा किलोमीटर दूर में है। हम कुछ भी थे तो अभी मूव तो हम कर रहे हैं रोड में, अभी लगभग पहुँचने वाला होगा। देखिए ठीक है, अभी पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद भी स्कूल दिखाएंगे, और स्कूल के बाद में अंदर जाएंगे, कॉपी चेक करना है। लाके अंदर तो हम दिखा नहीं पाएंगे लग रहा है, फिर भी देखते कोशिश करेंगे, जहाँ तक आप लोग को वीडियो दिखाने का मौका मिलेगा तब दिखाएंगे। तो यही है आपका पटना का गोला रोड, जहाँ से मैं अभी फ़िलहाल पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अभी देखते हैं पहुँचेंगे। मैं पहुँच चुका हूँ सेंट करेंस हाई स्कूल का, हाई स्कूल में तो अंदर जाना है, देखना है अंदर का नज़ारा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल के मेन गेट में, तो अभी हम एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री करके अंदर। अभी मैं अपना काम ख़त्म करके निकल चुका हूँ, और आज फर्स्ट डे था तो इसलिए उतना कॉपी चेक भी हम नहीं कर पाए और नहीं किए, क्योंकि करना भी नहीं था। तो अभी आज तो मैं आप लोगों को स्कूल का थोड़ा सा व्यू दिखा नहीं पाए, मगर हम कल का ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी हमको जाना है यहाँ से आरा की तरफ, और आज आरा में रुकेंगे, और वहाँ पर मेरा स्टूडेंट्स का रूम है, तो वो लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, तो मुझे आज रुकना है आरा में, तो आरा में रुकेंगे। और उसके बाद में आपको देखते हैं जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को दिखाते जाएंगे। फिर से अभी मुझे थोड़ा सा लंच करना होगा, भूख भी लगा हुआ है, लंच करेंगे, और लंच करने के बाद में लंच में क्या खाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, और उसके बाद में आरा की तरफ चले जाएंगे, और शाम को आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी कल वाला ब्लॉग में स्कूल का पूरा इंस्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज तो नया नया था तो इसलिए दिखा नहीं पाए। अभी ठीक है, अभी चलते बाहर निकलते हैं रोड के थ्रू, और उसके बाद में खाना खाएंगे, वहाँ पर आप लोग मिलते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं दानापुर के स्टेशन के सामने उतर चुका हूँ, और खाना खाने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं ददन हांडी मटन होटल में आया हूँ। देखते हैं, शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता है, ये मतलब कि डायलॉग बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था, यूट्यूब में मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखा था इस होटल का वीडियो। तो अभी जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर मुझे लग रहा है चिकन भी मिलेगा, हम मटन तो नहीं। तो अभी मैं होटल के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, और यहाँ पर तो फेमस यहाँ का दादर हांडी मटन है, मगर हम मटन नहीं खाने कारण से मैं अभी चिकन का ऑर्डर दे चुका हूँ। और यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है ये एरिया, हम बहुत बार इस होटल का वीडियो यूट्यूब में देखे, तो आज यहाँ आके फिर खाने खाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है यार। खाना टेस्ट किया जाएगा, हम लोग आज कुछ टेस्ट करके आप लोग बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है। चिकन थाली है ना ये, चावल आएगा ना, चावल ठीक है ठीक। चिकन भी आ चुका है और रोटी भी आ चुका है, तो हम खाएंगे। रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने के बाद खाएंगे। तो अभी चावल के साथ ये भी खाएंगे, टेस्ट अच्छा लगा, रोटी के साथ बहुत बहुत बढ़िया लगा, और चावल के साथ भी आप टेस्ट करते हैं।
अरे यार खाते मिलते पड़े देखिए अंडी चिकन बनने के लिए इस तरह से रेडी हुआ रहे आ गए देख सकते हैं आप लोग। ये है आपका ददन अंडी चिकन, अंडी मटन का स्पेशलिस्ट। इस तरह से अंडी मटन बनाया जाता है यहाँ पर। तो अभी खाना खाने के बाद में यहाँ से ददन अंडी मटन से बाहर निकल चुका हूँ। और स्पेशली हमको बहुत सारा यूट्यूबर बताए थे कि यहाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और हमको वाकई ही बहुत अच्छा लगा। और हम चिकन खाए थे यहाँ का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगा। और आप लोगों को भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आके कभी टाइम मिलेगा तो ददन हंडी में आके आप लोग वहाँ पर खाने का मज़ा उठा सकते हैं। और हम भी आज खाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी हमको बिना समा गंवाते हुए जाना है जनकपुर स्टेशन की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ पर लगा है कि ट्रेन लगी हुई है, तो ट्रेन पकड़ना है। उसके बाद में वहाँ से आगरा की तरफ जाना है, तो अभी देखते हैं जाएंगे। तो फाइनली अभी मैं आगरा पहुँच चुका हूँ, बच्चों लोगों का घूमने आज रहना है हमको। तो अभी मैं यहाँ पहुँच के थोड़ा फ्रेश अप होने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। इसलिए रूम का छत के ऊपर से मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आज इस तरह से मैं गए थे कॉपी चेक करने के लिए, और उसके बाद में वहाँ पर जाके मैंने आप लोगों को स्कूल का कुछ नज़ारा दिखाया, और साथ साथ में हम किस तरह से लंच किए आप लोगों को दिखाया, ददन हंडी मीट हाउस भी आप लोगों को दिखाया। हम जाके अच्छा लगा, वहाँ का खाना भी टेस्ट किया, साथ साथ में आज जाके स्कूल घूमे और वहाँ पर जाके कॉपी चेक किया, तो इन्जॉय किया। तो हम कल आप लोगों को इसी ब्लॉग के माध्यम द्वारा बोला जाता है, हम जाएंगे कल स्कूल आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल लगा हमको, और मिशनरीज स्कूल है, मतलब कि क्रिश्चियन स्कूल है वहाँ पर। और कल आप लोगों को स्कूल का ब्लॉग दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरा ब्लॉग को इसी तरह से इन्जॉय करते रहेगा और हमेशा इस तरह से प्यार देते रहेगा और संजोक राय ब्लॉग्स को लगातार देखते रहेगा। तो इसी वर्ड के साथ में आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलना होगा। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, और फिर मिलेंगे चलते चलते। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय।